आज जो है मैं आपको वांगीबात की रेसिपी बता रही हूँ। एक एक राइस डिश है, ये जो है कर्नाटका में बहुत फेमस है। वहाँ पे फंक्शंस में, शादियों में ये बनाया जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप इसको बॉक्स में ले जा सकते हैं, आप इसका पाउडर बना कर रख सकते हैं। उसके बाद जो है आप रेसिपी को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप आपके पास ये पाउडर तैयार है तो मैं आपको पाउडर के लिए क्या क्या चाहिए वो दिखाती हूँ। जो है बैंगन से बनती है, बैंगन और राइस से। मैंने जो है 4 टेबलस्पून धनिया लिया है, 3 टेबलस्पून जो है मैंने उड़द की दाल ली है, 2 टेबलस्पून जो है मैंने चने की दाल ली है, और नमक, हल्दी थोड़ा सा, हींग जो है 1/4 स्पून लिया है, 5 लौंग लिया है मैंने, और दालचीनी जो है मैंने 2 इंच की एक, और 3 इलायची ली है, जावित्री जो है मैंने 1 फूल लिया है इस तरह का। अभी जो है चलिए हम इन सबको फ्राई करेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने पैन रख लिया है, धनिया को फ्राई कर लूँगी, उड़द दाल, मैंने वांगी भात बनाने के लिए इस तरह के बैंगन लिया है, मैंने पीस लिया है यानी मटर, और प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और 3-4 हरी मिर्च ली है मैंने। काजू को जो है हम गार्निश करने के लिए इसको फ्राई करके रख लेंगे। और मैंने जो पाउडर बनाया था वो पाउडर है बहुत ही टेस्टी पाउडर, बहुत ही खुशबूदार बना है, अब इसे ज़रूर बनाएं एक बार। और इमली का पल्प लिया है मैंने, और तड़के के लिए हम लेंगे चने की दाल, सरसों और ज़ीरा, करी पत्ता। जो है हम लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेंगे। एक बाउल पानी में मैंने जो है 1 फुल स्पून नमक डाल लिया है, और बैंगन को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है इस तरह से। काजू को भून लूंगी, मैंने काजू को निकाल लिया है फ्राई करके। अभी जो है मैं सरसों को, जीरे को और चने की दाल को फ्राई कर लूँगी। ऑनियन, हरी मिर्ची, मटर को ऐड करूँगी, मटर भी गल जाएंगे ऑनियन के साथ। अभी देखिए ऑनियन जो है गल चुका है, हमें फ्राई नहीं करना है, बस ऑनियन को थोड़ा सा गला लेना है। अभी जो है मैं बैंगन को ऐड कर दूंगी। अभी जो है बैंगन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, मैं इसमें जो है इमली का पल्प ऐड कर लूंगी। देखिए मैं इतना सा गुड़ ऐड कर रही हूँ, गुड़ डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैं इसमें हमने जो वांगी भात का पाउडर बनाया था वो पाउडर ऐड करूँगी मैं। देखिए थोड़ा सा, 1/2 कप जितना पानी ऐड करूँगी मैं, इनको पूरा मैश नहीं करना है, बस 3/4 गला लेना है। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मैं अभी खोल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा मिक्स बना है। अभी मैं इसको ऑफ कर लेती हूँ, ठंडा होने के बाद मैं इसको आपको राइस में मिक्स करके दिखाऊंगी। मैंने राइस को जो है ठंडा कर लिया है। देखिए मैंने सर्व कर लिया है सर्विंग डिश में, इसको हम थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करेंगे, उसको गार्निश कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी राइस बना है, आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। ये देखिए वो मिक्स है जो हमने बनाया था, और आप इसको रायते के साथ खा सकते हैं, बूंदी का रायता है या प्लेन रायता, मैंने प्लेन बनाया है।